कल का असेसमेंट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। कल के असेसमेंट में आप लोगों ने कितने सवाल आप लोगों से हुए, कितने नहीं हुए? अच्छा, ऑल्सो इरम, बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, यू हैव सेंड मी योर पेपर, राइट? मार्क्स आपने ऐसे छुपा दिए हैं, मार्क्स तो पता ही नहीं चल रहा है हमें। बताइए क्या उसमें डिफिकल्टी है, कुछ पूछना है आपको इरम? या सर, जो मैंने आपको क्वेश्चंस बोले थे ना, वही मोस्टली। वो अच्छा, आपने दो कुछ क्वेश्चंस भेजे थे ना। ठीक, एक तो हमने आपको बता दिया था। ओ रियली फॉरगॉट अबाउट दैट। क्वेश्चंस आपने बोला था, सर व्हाट इज द आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन? व्हाट इज द फोर्थ? एसिटिक एसिड डज नॉट अंडरगो हैलो फॉर्म रिएक्शन। एसिटिक एसिड हैज नो अल्फा हाइड्रोजन। सो आपने इसमें क्या किया? ऑप्शन डी ऑप्शन किया आपने। यस सर। ये बात बताइए, यहाँ पे एसिटिक एसिड डज नॉट गो हैलो फॉर्म रिएक्शन। हैलो फॉर्म रिएक्शन किसका होता है? कीटोन्स। कीटोन्स। तो फिर और हैलो फॉर्म रिएक्शन कीटोन्स के साथ क्या होता है? यू कैन हैव NaOI, राइट? हाइपोहैलाइट। एंड इन दिस व्हाट विल हैपन? टू कार्बन एटम्स, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ओ नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इफ यू आर ऑलरेडी टेकिंग दिस पार्ट, सो दिस कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज ना। ये आगे मतलब इसमें तो और आगे रिएक्शन हो ही नहीं सकता, बिकॉज इससे सेम यही चीज बनेगा फिर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट सर, हैलोफॉर्म रिएक्शन होने के लिए सी डबल बॉन्ड ओ एन सी एच थ्री होना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बोनल का कार्बोनल होना चाहिए, कार्बोनल है ना। और ये देखिए सही बात है आपका, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ। वॉट अबाउट हियर? यहाँ पे आपके पास एच भी रह सकता है, कोई आर भी रह सकता है ना। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग नहीं पढ़ रहे थे ना, इस रिएक्शन को हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? जब वी हैड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, राइट? ठीक है, तो आपके पास सिर्फ दो केस बचते हैं। अगर हम बोल रहे हैं ना CH3 सी डबल बॉन्ड ओ अगर किसी फ्रेगमेंट में है, इफ एनी कार्बोनिल कंपाउंड इज सी डबल बॉन्ड ओ, इसके आगे क्या रह सकता है? तो दो केसेस हैं। इसके आगे आपके पास CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ये फ्रेगमेंट रहना जरूरी है। अगर हाइड्रोजन आ गया देन दिस इज एल्डिहाइड। CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, अगर आपके पास यहाँ पे कोई और एल्काइल ग्रुप आ गया देन इट इज अ केस ऑफ कीटोन। सिर्फ इन्हीं दोनों में होगा ना, बात समझ में आ रही है आपको, है ना? ठीक है, तो सबसे पहली बात, इस एसिटिक एसिड तो ये मतलब कैटेगरी का ही नहीं है कंपाउंड, तो ये तो रिएक्शन देगा नहीं। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट आप आगे भाई, हाँ, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एसिटिक एसिड हैज नो अल्फा हाइड्रोजन। सो इफ यू लुक एट एसिटिक एसिड, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, राइट? सो दिस इज द अल्फा कार्बन, ये कार्बन अल्फा है ना, सही है ना? ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया पूरा का पूरा, राइट? यस। दिस इज दी अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन तो, ठीक है। सो इट विल बी अगेन, ये वाला भी फॉल्स, एसिटिक एसिड हैज नो अल्फा हाइड्रोजन, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट एसिटिक एसिड डज नॉट अंडरगो हैलो फॉर्म रिएक्शन, सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी ट्रू ना, पहले स्टेटमेंट ट्रू होगा, नंबर वन विल बी ट्रू, नंबर टू विल बी फॉल्स। अजर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन है नहीं ऐसा कोई? सी ऑप्शन है ना, अजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सर, जो एट्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वो तो मैंने सही किया ना, एडोल कंडेंसेशन। एट्थ एट का क्वेश्चन से, हाँ, तो सेकेंड पार्ट, मुझे हाफ क्यों मतलब था। एक सेकेंड, एट का इथेनल टू ब्यूट टू इन अल है, इन अल, एट क्वेश्चन कहाँ फर्स्ट पेज सर। है? फर्स्ट पेज में
CH3CHO लिया आपने, CH3CHO लिया आपने, आपने इसका स्ट्रक्चर सही बनाया। देखिए जरा, ब्यूट टू इन वन अल का सही बनाया, सही है, सही है। देखिए आप, पार्कर नो वी आर जस्ट डिस्कसिंग एरम्स पेपर। देखिए हाँ, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है ना, ठीक है। एक तो चीज ये यहाँ पे है ना, और दूसरी चीज उन्होंने देखी यहाँ पे, दिस इज द अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है ये, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होता है, क्या बोलते हैं, भूल गया, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ, अल्फा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रो सॉरी कार्बोनिल कार्बन है ना, एल्डिहाइड या कीटोन बन रहा है। आपके मैम ने लिखा है एल्डोल प्रोडक्ट भी दिखाना पड़ेगा आपको, जो बीच में एक आपका OH वाला प्रोडक्ट बनता है ना। नहीं, मैकेनिज्म नहीं, स्टेप्स होते हैं ना इसमें। देखिए आपका लेक्चर कहाँ गया, कार्बोनिल एंडोल कंडेंसेशन में तो स्टेप्स होते हैं, राइट। एक मार्क में क्यों दिखाना भाई, एक मार्क्स में ही रहता है, लेकिन वो दो स्टेप में होगा ना। आपको ये वाला देखिए, हीट करना रहता है कि नहीं करना रहता, ये देखिए सेम है ना, यही था। तो आपको पहले ये दिखाना था ये दोनों, फिर उसके बाद NaOH डालते तो आपको क्या मिलता है, एल्डोल प्रोडक्ट, है ना, कि आपके पास एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी वाला प्रोडक्ट। वही मैम ने बोला हुआ है आपको कि आपको एल्डोल प्रोडक्ट दिखाना, फिर उसके बाद हीट करके यू हैव टू मेक दिस कंपाउंड आई थिंक, राइट, ब्यूट टू इन वन अल। हाँ यही तो है ना। ठीक है, वो मार्क्स आपके होने वाला नहीं है यहाँ पे। और सर, टेस्ट इसी वजह से रिएक्शन में भी क्या हो गया, मुझे समझा नहीं क्या क्या क्या, सॉरी, कैनिजेरो रिएक्शन सेवेंथ का फर्स्ट वन, कैनिजेरो रिएक्शन कराए थे हमने आप लोगों को, सेवेंथ, हाँ कराया नहीं है क्या, कराया कराया है, डिटरमिनेशन इसमें, हाँ कैनिजेरो कराया तो है। हाँ ठीक है, सवाल क्या आपका, क्वेश्चन नंबर बताइएगा जरा, सेवेंथ का फर्स्ट वन, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ कैनिजेरो रिएक्शन, लिख देते कुछ भी, दो दो एग्जांपल, कोई भी एक एग्जांपल लिख देते, जैसे ये दोनों एग्जांपल्स है ना, बस इनमें से कोई एक लिख देना था नहीं, आपको। सर मैंने लिखा था, बट उन्होंने लास्ट वाले इसमें कुछ तो रॉन्ग डाला, मुझे समझा नहीं कि क्या मैंने गलत किया। अच्छा, सेवेंथ वाला आपको समझ में क्या गलत किया, अरे यार ऐसे तो एल्डिहाइड्स विद नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ये तो आपने ठीक दिया है, और फिर कहा लास्ट में क्या बोल रहे, कुछ गलत किया उन्होंने। आपने वहां पे देखी, अच्छा 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 हाँ ठीक ठीक सर्कल है वहां पे ना, वो डबल बॉन्ड कर दिया आपने वहां पे, डबल बॉन्ड, ओहो देखो आप खुद देखो यार क्या गलत किया, वो बताने वाली बात नहीं। देखो क्या बोलने से, हूँ बोलने से हली होगा क्या, हूँ कर रहे हैं आप, देखिए कुछ नहीं समझ में आया। वॉट आर द टू प्रोडक्ट दैट वी गेट आफ्टर कैनिजेरो रिएक्शन, एक बनता है हमारा एल्कोहल और दूसरा कीटोन, दूसरा कीटोन बनता है, कीटोन बन रहा है भाई, कीटोन है क्या ये, हाँ एसिटेट बनता है, आई मीन एसिड का बेस बनता है, मतलब यू विल हैव सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, और यहाँ पे जो भी कर दीजिए आपने, यहाँ पे नहीं दिया ना कुछ भी रहेगा, यहाँ पे ओ नेगेटिव एंड के, आपको ये करना था यहाँ पे, गॉट इट, हाँ ओके है ना, ठीक है। और बताइए और कुछ नहीं, बस हो गया। और टेंथ सिक्स का सेकंड वाला, टेंथ वाला पूरा गलत होगा, मुझे समझा नहीं वो क्वेश्चन, तुम समझना नहीं समझना। अच्छा एक काम, तुम्हारे क्लास कब है, ट्यूसडे को क्लास है, ट्यूसडे को तो छुट्टी आई थिंक आप लोगों को मिला होगा ना, और फिर थर्सडे को हम क्लास ले नहीं पाएंगे आप लोगों की, बड़ा मिस हो जाएगा यार। सीवन है, सीवन उतना झेल लेगा, सीवन के पास काफी टाइम है,
चलिए ठीक है, अभी हम क्लास खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हमें बात करनी है, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टार्टिंग विद, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू हैव एंड इन स्क्वायर। सो गाइस प्लीज हैव योर कैमरास ऑन, आई एम स्टार्टिंग द फोकस मोड नाउ। अरसलान रिवाइज वाइज करके आए हैं जी? अरसलान यस सर। रिवाइज करके आए हैं जी अच्छा ठीक। देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, वी आर हैविंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एंड इन दैट वी आर गोइंग टू हैव बाइलेटरल। सर आई एम एक्चुअली ईटिंग, इज इट फाइन इफ आई डोंट टर्न इट ऑफ? आप खा क्यों रही हैं? पहली बात तो आप ये बताइए, व्हाई आर यू ईटिंग यू आर इन क्लास? हाँ Just give me a second. So, बस आपको लेट पहुंचाइए। अच्छा जी ठीक है, नो प्रॉब्लम, खा लीजिए आप आराम से खा लीजिए, उसके बाद करिए करिए। लिखिए स्क्वायर प्लेनर बाइडेंटेट, क्या केस देखने वाले हम लोग लगा बाइडेंटेट। I understand part is not a problem. See what it is. Square plane by rotate. अच्छा हाँ, आप उसे ये पूछना था ना हमको कि कल का रिपोर्ट मंगा लेते हैं। Please send yesterday's report on isomerization. जी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, अच्छा वो पुरानी चीज को थोड़ा कॉपी करके लाते हैं। So we will start with complex. So the complex that we will be having is सबसे पहले तो हमारे पास M, इसको ना AA, this AA is a bidentate ligand, AA hold twice कर दिए। Then the next you will have is M, AA is a bidentate ligand और साथ में you have a monodentate A2, then you have M which is a bidentate ligand AA, फिर उसके बाद आएगा आपके पास AB, ठीक है। बस ये तीन ही केस आपके पास हो सकते हैं, इसके अलावा यू कैन नॉट हैव एनी अदर केसेस, बिकॉज़ यू हैव टू हैव एटलीस्ट वन बाइडेंटेट लिगेंड। एक बाइडेंटेट लिगेंड रहेंगे तो यू कैन हैव टू अदर मोनोडेंटेट लिगेंड, टू अदर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब यहाँ पे बताइए इज देयर एनी अदर, कुछ पॉसिबिलिटीज है क्या यहाँ पे किसी चीज की भी, क्या ख्याल है आप लोगों का? देखिए सबसे पहली बात तो व्हेन यू आर हैविंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, व्हेन यू आर हैविंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, सो इज इट पॉसिबल टू हैव एनी ऑप्टिकल आइसोमर? इज इट पॉसिबल? नो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? कल हम लोगों ने देखा था दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव एनी ऑप्टिकल आइसोमर, चाहे वो स्क्वायर प्लेनर बाइडेंटिटी ही क्यों ना आ जाए। सो इसको जीरो 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 एंड जीरो, राइट? देयर विल बी नो सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर। जीआई जहां तक बात आती है, जीआई की जहां तक बात आती है, प्लीज यहां पे ध्यान देंगे, बाइडेंटेट लिगेंड विल नेवर बी एट 180 डिग्री, दे विल ऑलवेज बी एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। यानी कि आपके पास आप इस तरह से नहीं कर सकते कि ए रिख दिया आपने, आपने ए रिख दिया और ये दोनों ऐसे बाइडेंटेट लिखे, दिस कैन नेवर हैपन, ओके? सो व्हेन एवर यू आर हैविंग टू ए मॉलिक्यूल्स, टू ए एटम्स विच आर बाइडेंटेट इन स्क्वायर प्लेनर, क्या कहीं पे भी स्क्वायर प्लेनर हो आफ्टर डेलो, इफ यू आर हैविंग बाइडेंटेट, बाइडेंटेट ऐसे ही रहेगा, द एंगल बिटवीन बाइडेंटेट लिगेंड्स का जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन स्टार्ट, आप क्या कर दीजिए ए ए,
Now, if you look at what is opposite to what, so इस A के opposite में क्या है आपके पास? A. A. And this opposite to this A, what do we have? A. है ना, इसके opposite में भी आपके पास क्या है? A ही है. ठीक है, तो यहां समझ लीजिए, इनको एक्सचेंज करने से कोई फायदा होगा? नहीं. इनको भी एक्सचेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा. इनको साथ में कर दीजिए, इनको साथ में कर दीजिए, तभी आपके पास कोई फायदा नहीं होने वाला है, राइट? अच्छा, ये पहले केस में तो हम जीरो कर देते क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज होने की ही चांसेस नहीं है, राइट? देयर इज नो चांस ऑफ एक्सचेंज. हियर ऑल्सो देयर इज नो चांस बिकॉज इधर भी आपके पास सिमिलर लिगेंड्स है, अपोजिट में भी सिमिलर लिगेंड्स है, राइट? सो यहाँ पे भी आपके पास जीरो. लास्ट केस जो आपके पास बचेगा ए बी वाला बचेगा, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, सिंपली स्पीकिंग व्हाट वी कैन डू, अभी एक ए के अपोजिट, ये देखिए ये दोनों ए तो ऐसे ही रहेंगे, 90 डिग्री में रहेंगे, इन दोनों का कभी हम लोग ए के अपोजिट में ए कभी आ ही नहीं सकता. व्हाई? बिकॉज बाइडेंटेड लिगेंड विल नेवर बी एट 180 डिग्री. सो ए के अपोजिट में कैपिटल ए कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना? इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग. सो व्हाट वी कैन हैव, ए के अपोजिट में व्हाट वी कैन राइट ए, और फिर इस ए के अपोजिट में व्हाट वी कैन राइट बी. अभी व्हाट वी कैन डू, इस ए के अपोजिट में आपने बी रख दिया, इस ए के अपोजिट में आपने ए रख दिया, और बोथ ऑफ दीज आर स्टिल सेम, यस ऑर नो प्लीज टेल मी. ये दोनों तो अभी भी सेम है ना? तो यहाँ पे भी आपके पास कोई भी जीआई नहीं बनेगा. सो ऑल दीज सीरियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. द स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इफ दे आर इन बाइडेंटेट केस, है ना, इफ यू आर हैविंग बाइडेंटेट लिगेंड इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इट वुड नेवर, इट विल नॉट हैव एनी स्टीरियोआइसोमर, कोई भी वहां पे स्टीरियोआइसोमर हो ही नहीं सकता है, ठीक है? सो वी विल राइट दिस पॉइंट, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विथ बाइडेंटेट ligand with bidentate ligand does not have any stereoisomer, चाहे वो geometrical isomer हो या optical isomer हो, ठीक है? So just to revise a bit guys, अगर ऑप्टिकल आइसोमर है तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा? इफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट, दिस इज क्वेश्चन फॉर इरम, अरसलान, सफिया एंड पार्कर, इफ अ कॉम्प्लेक्स हैज ऑप्टिकल आइसोमर देन इट वुड, है ना, इट वुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री. अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया देन प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर सिमेट्री तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा उसका, है ना? तो ऑप्टिकल आइसोमर उसका नहीं होगा, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा इस चीज को. ओके, एंड इन केस ऑफ जीआई अपोजिट में कौन से लिगेंड्स है वो चेक करते हैं हम लोग, है ना? वो चेक करने के बाद ही समझ में आएगा, ठीक है? चलिए, लेट अस राइट हियर. नेक्स्ट लिख लिया आप लोगों ने ये, चलो प्लीज राइट दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन. भाई इतना काम चल रहा है मेरे घर में, थक गया पता है बिल्कुल. When your work starts at 6:30, ना, it's very difficult to like manage the life because मतलब 6:30 बजे इंडिया टाइमिंग में आप लोग की क्लास मिल जाती है और बाकी सारे काम होते हैं सुबह में इंडिया में, एंड यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ एनर्जी लेफ्ट ना एटलीस्ट 10:30 तक, 4 घंटे और अभी काम करने बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी जब काम पड़ता है तो. कि कृष्णा प्रिया अरसलान एंड मीर, पता नहीं मीर है, अच्छा है मीर, ओके ओके फाइन. कृष्ण प्रिया जस्ट वेटिंग फॉर यू नाउ. ठीक है चलिए, सबका हो गया. मूविंग ऑन, दैट इज राइट, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स दैट वी आर सीइंग, दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. नाउ इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, केस जो बनेंगे ना भाई भर भर के केस बनेंगे. पहले देख लेते हैं व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दिखता कैसा ये. यू हैव मेटल, ऊपर एक लिगेंड, नीचे एक लिगेंड, देन यू विल हैव इन द बैक ऑफ द प्लेन एंड देन यू विल हैव इन फ्रंट ऑफ द प्लेन लाइक दिस. L is ligand, okay? L is ligand. L is ligand. अब यहाँ पे एक चीज, चलिए ये स्ट्रक्चर भी आप लोग को दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा वो 3D वाले ऐप में, है ना?
व्हाट स्ट्रक्चर हैज ऑक्टाहेड्रल शेप, किसी को याद है? केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका ऑक्टाहेड्रल शेप होता है? ओ माय गॉड, D2SP3। D2SP3, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कोई एग्जाम्पल बताए ना कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स का मत बताओ, कोई इसी का बता दो, जो आपके पास नाइन्थ क्लास में कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उनमें से किसी का बताइए। SF6 का होता है, ठीक है गाइस, SF6। लेट मी शेयर द स्क्रीन, इज दिस विजिबल गाइस? यस सर। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है ना जैसा हम लोगों ने अभी बनाया, जैसे आपके पास एक लिगेंड ऊपर एक लिगेंड नीचे, राइट, एंड देन यू हैव अ लिगेंड दैट इज इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, और ये जो आपका बाहर आता हुआ है, करेक्ट है गाइस, ये सोनोब्रिसलमी, ये अंदर जाता हुआ है, ठीक है, विजिबल है सबको? किसी कोई दिक्कत क्या, किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, तो क्या इस पर्टिकुलर केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री है? देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हम सल्फर के यहां से ये सेंटर है आपका, आप ऊपर जाइए, आपको क्या मिला, क्या मिला आपको? अरे बोलो भाई, फ्लोरीन, फ्लोरीन मिला। नीचे आइए, क्या मिला आपको? फ्लोरीन। इधर जाइए, क्या मिला आपको? इधर जाइए, क्या मिला आपको? है ना, अपोजिट जब भी जा रहे हैं आप, इधर जा रहे हैं राइट साइड बाहर की तरफ, तो लेफ्ट साइड अंदर की तरफ, फ्लोरीन। सो इन दिस केस, नाउ दिस इज द केस वेर यू आर हैविंग MA6 कर देते हैं, राइट, ऑल द सिक्स लिगेंड्स आर सेम, इन दिस केस यू आर हैविंग व्हाट, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो आपके पास है, करेक्ट है गाइस, यस नो पीसल मी, यस सर, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है आपके पास, इसका मतलब यू विल नॉट बी हैविंग एनी ऑप्टिकल आइसोमर। अरे यार, हमने एक चीज उसको ही मिटा दिया हमने, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ML6 में आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, लेट अस मेक वन मोर थिंग, आप देखिए ये हमने ऐसे कट कर दिया इसको, तो राइट साइड में जो चीजें कट के गिरेंगी, लेफ्ट साइड में भी वही चीजें गिरेंगी, आधा फ्लोरीन, एंड देन ऑन द राइट साइड 2 फ्लोरीन, ऑन द लेफ्ट साइड 2 फ्लोरीन, करेक्ट है, कहीं से सुनो, यस सर, ठीक है। So in this case you are having plane of symmetry, ये plane of symmetry भी है आपके पास, और ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम बात बताने वाली है ना, अभी जो हम बात बताने वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, क्या करें इसको, हम इसको रोटेट करते हैं, आई नीड माई कर्सर, कर्सर लिया हमने, इसको थोड़ा सा हम घुमाना चाहते हैं बस, ठीक है, ये घूम गया, अच्छा छोड़ो, इसको ऐसे रखो, ऐसे रखने में किसी को दिक्कत, ऐसे रखने में नहीं ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब भाई हम इसको ऐसे काट रहे हैं, जहां पे चार लिगेंड्स है ना, चार लिगेंड को हमने काटा, बन जा भाई, बन गई मेरा ये, चलिए इधर चला गया, हाँ जी है, बताइए, अरे बोलो, नो सर, कुछ प्रॉब्लम, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नहीं सर, है प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, ठीक है, इन दिस केस हम बोल सकते हैं ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस केस में भी, इस केस में है, अब ध्यान दो, जरा ध्यान दो, आई एम गोइंग टू कीप इट लाइक दिस ओनली, अब यहाँ पे आप एक बात बताइए, अरे कोई चीज काम नहीं कर रही आज, या तो मेरा दिमाग ही आज काम नहीं कर रहा है, आप लोग तो दिख नहीं रहा होगा, है ना, मास्टर क्या कर रहा है, हाँ आप लोग, ये जूम वाला टूल दिखता नहीं है, अच्छा ये कर्सर से होगा मेरे, एंड हाँ जी क्या करना था भाई, हाँ एटम हमें एक चेंज करने वाले, ठीक है, क्लोरीन को हटा के हमने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, नाउ अब इसका नाम हम क्या लिखेंगे, नाउ वी विल राइट दिस नेम एज, दिस इज नाउ ML6 लिख देना, MA6, ठीक है, This is MA6, ABCD का ज्यादा अच्छा लगता है,
एम ए सिक्स है. अच्छा नाउ इट इज एम ए फाइव बी, सही है? ठीक है. अच्छा बताओ, अभी आप लोग जब देख रहे हैं तो आप लोगों को सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं नजर आ रहा होगा, करेक्ट है गाइस? बिकॉज सेंटर ऑफ सिमेट्री तो भूल जाओ, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो भूल जाओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है. लेकिन ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रक्चर में अभी जो हमने बनाया इस स्ट्रक्चर में, और ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको हमने वापस से फ्लोरीन किया, इसको हमने क्या किया, वापस से फ्लोरीन किया, और ये यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है? आप लोगों को लग रहा है नहीं सर ये बेमानी कर रहा है, आप इधर उधर करते रहे, ठीक है, अभी वही क्लोरीन वहीं पे, इसको हम बस थोड़ा सा रोटेट तो कर सकते हैं. आई थिंक यू विल गिव मी द चांस टू रोटेट दिस मॉलिक्यूल, राइट? इसको हम रोटेट करके, आप बताइएगा क्या हम कोई बेमानी कर रहे हैं क्या? अभी तो हमने मॉलिक्यूल चेंज नहीं किया ना, रोटेट किया है, अब बताओ क्या अब प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस सर. यस सर. ठीक है, तो देखने का नजरिया चेंज करना पड़ा. अब देखिए, आपको दिखाएंगे हम सब कुछ और इतनी अच्छी सी छोटी सी बात दिखाएंगे कि आप लोग खुश हो जाइएगा. अभी तो बोला सर ये तो पागल हो गए, अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नो सर. है ना भाई, कॉम्प्लेक्स को तुम्हारे इधर उधर रखने से ना कुछ हो जाएगा, अभी भी है वो, आपको दिख नहीं रहा है. जिस तरह से हम लोग काट रहे हैं, जो प्लेन हम लोग देख रहे हैं, द प्लेन दैट वी आर लुकिंग राइट नाउ इज नॉट द प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट दिस कॉम्प्लेक्स हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, यस और नो अरसलान? अरे भाई, कॉम्प्लेक्स तो रोटेट ही किया था ना हमने, तो कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ना? जब हम ऐसे कर दे रहे तो दिख नहीं रही है, बात समझ में आई? When you are looking like this, then it is having plane. So when you are having MA5B, then we are having plane of symmetry. Plane of symmetry यहाँ पे मौजूद है. Correct है guys? Yes or no? Please tell me. Yes. अब आप लोग के तो दिमाग चमकना चाहिए. अब आप लोग का दिमाग चमकना चाहिए. क्या चमकना चाहिए? देखिए भाई, जब यानी चारों को आप चेंज कर दो. ये आपने क्या कर दिया? क्लोरीन कर दिया हमने. क्लोरीन करके दूसरे वाले को भी चेंज कर देते हैं. इधर कर देते हैं हम क्या? ब्रोमीन कर देते हैं इधर. अभी भी है प्लेन ऑफ सिमेट्री. Yes. आधा ब्रोमीन राइट में कटेगा, आधा ब्रोमीन लेफ्ट में कटके गिरेगा, ठीक है? और क्या होता है भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी होता है ना, एक सिंगल वाला आयोडीन लेके चलते हैं. आयोडीन कर देते हैं इधर. अभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सोनो पीसल मी? यस. यस है ना भाई. अब देखिए जरा, अब थोड़ा सा रोटेट करके इधर वाले को एस्टेटीन कर देते हैं ना, वो एस्टेटीन हो जाए. ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा, क्या अभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस और नो प्लीज टेल मी गाइस. यस सर. है ना, तो हो गया भाई. हाँ ठीक है. अभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि हम लोगों ने क्या क्या केसेस देख लिए, ध्यान दीजिएगा. एम ए फोर, एम ए फोर बी में है तो बी टू में भी होगा, है ना? एम ए फाइव बी में था तो एम ए फोर बी टू में भी होगा. और ध्यान दीजिए फिर, एम ए थ्री, एम ए फोर ही बनेगा अभी, एम ए फोर बी सी, बी टू बी सी, अभी भी छह लिखंड दिख रहे हैं आप लोगों को, ये सुनो पीछे मिल गई, एम ए फोर बी सी छह लिखंड दिख रहे हैं, है ना? यस सर. ठीक है, अब अगला के साथ है एम ए थ्री बी थ्री, एम ए थ्री बी थ्री तब भी होगा. सारी चीजों को छोड़ो यार, तो बाद में सारा लिखा देंगे आप लोग. एक पॉइंट जो आप लोगों को समझने की है, जब तक आपके पास अपोजिट साइड में दो सेम लिगेंड होंगे, जब तक आपके पास अपोजिट साइड में कितने सेम लिगेंड होंगे? दो सेम लिगेंड. इफ टू सेम लिगेंड्स, टू सेम लिगेंड्स आर एट 180 डिग्री, देन इट विल हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री. क्या याद रहेगा? है ना भाई? अब अगर हम चेंज करें, इफ आई एम गोइंग टू चेंज इट राइट नाउ, अब अगर हम चेंज कर दें इसको, फ्लोरीन की जगह क्या लेना पड़ेगा? सिंगल एक वैलेंसी होनी चाहिए. वैलेंसी एक किसकी होती है? और एस्टेटीन तक तो हमने ले लिया, एस्टेटीन के अलावा अदर में जाके हाइड्रोजन डाल दें, एक हाइड्रोजन डाल दो. चलिए ठीक, अब बताइए. अब तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा ना, बिकॉज ऑन द राइट साइड हाइड्रोजन गिरेगा, लेफ्ट साइड में फ्लोरीन गिर जाएगा. ठीक है, तो जब तक आपके पास क्या था, जब तक आपके पास वो इतना हमने ज्यादा उसमें कर दिया
that app is closed already. But हम लोगों को conclusion मिल गया. I think I can write here. आप लोग उस चीज पे agree करेंगे इस चीज के लिए. That if there are two same ligands, if there are two same ligands opposite to each other, then there will be plane of symmetry. Then there will be plane of symmetry. Please write this down. डन. चलिए अब यहां पे हम लोग करते हैं क्या, बनाते हैं आपका टेबल. इसमें लंबा बनने वाला है थोड़ा, ठीक है ना. तो आई थिंक इसको यूज नहीं करना ज्यादा अच्छा है, आपसे करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स. ठीक है, देन वी विल लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल जीआई देखते हैं हम. देन वी विल लुक एट ऑप्टिकल आइसोमर्स. ऑप्टिकल आइसोमर अगर दो होते हैं तो उसका इनान्शियोमेरिक एक पेयर बनता है. एंड देन ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर इट गिव्स यू स्टीरियो आइसोमर्स. ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल का सम होता है. सबसे पहला कॉम्प्लेक्स जो है आपके पास दैट इज एम ए सिक्स. अगला जो कॉम्प्लेक्स आएगा, देखिए कैसे कॉम्प्लेक्स कैसे बना रहा है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एम ए फाइव बी, आई रिड्यूस्ड ए बाई वन. भाई देख लो यार एक बार, फिर खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा ना आप लोग, ऐसे छापने लगे तो कैसे चलेगा काम. एम ए सिक्स है आपके पास, देन आई एम रिड्यूसिंग ए बाई वन और एक उसकी जगह में दूसरा लिगेंड लेके आ रहे हैं बी. अब क्या करेंगे यहाँ पे, बी के अलावा और कुछ हो नहीं सकता है ना. सी आएगा लेकिन इट विल बी व्हाट, पांच सेम एक अलग, पांच सेम एक अलग. फिर से बोले व्हाट आर वी हैविंग, सबसे पहला क्या है ऑल सेम, सबसे पहले क्या है सिक्स सेम. Tell me guys, what is in the first case? बोलो 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 ना, पहला में क्या है? Six same. Six same. Six same. Next में five same one different. फिर से बोलिए. Five same. Five same one different. One different. One different में B आ जाए, C आ जाए, D आ जाए, कुछ भी आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता. B आपका A से अलग होना चाहिए. A से क्या होना चाहिए, बस अलग हो जाए. ठीक है ना, ऐसे नहीं बोलेगा सर C भी तो आ सकता है. अरे भाई C B वाला केस दोनों क्या आ जाएगा, सेम ही हो जाएगा. ठीक है ना, ध्यान दीजिए. देन इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, एम ए फोर और बी सेम. चार एक टाइप के, दो एक टाइप के, चार दो छह हो गए. ठीक है, नेक्स्ट केस क्या बनेगा, यू विल स्टिल हैव एम ए फोर बट वी कैन हैव टू अदर, दे विल बी डिफरेंट बी सी. करेक्ट है गाइस. अब देखिए यहां पे नाउ वी हैव एग्जॉस्टेड ए फोर में और कोई केस नहीं बचेगा. देन यू विल हैव एम ए थ्री, सबसे पहला केस लेंगे तीन एक टाइप के, तीन अलग टाइप के, ए थ्री बी थ्री. अगला केस बनेगा आपके पास एम ए थ्री में यू विल हैव बी टू सी, तीन तीन छह. अब उसके बाद एम ए थ्री, एम ए थ्री में एक और केस बनेगा दैट विल बी बी सी डी, तीन सेम टाइप के, बाकी तीन सारे अलग, बाकी तीन सारे अलग. बात समझ में आ रही है सोनो पिशल मी? एरम आपको समझ में आ रहा है? यस सर. हाँ, अब देखिए अब आप लोग को दिखने का मन करेगा सर एम, अब तो ये सारा कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया ना, बी सी डी हो गया. एम ए टू, एम ए टू और बी कितना लिख दें बताइए गाइस. पहले लिया था हमने बी वन, फिर बी टू, बी फोर, बी फोर, बी फोर, बी फोर. देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, एम ए टू बी फोर, एम ए टू बी फोर एंड एम ए फोर बी टू. क्या ये दोनों सेम नहीं है? चार सेम टाइप के. यस सर, सेम सेम है. हाँ जी पार्कर, आपको दिखा पार्कर. ए फोर बी टू लीजिए चाहे ए टू बी फोर लीजिए ना, सेम ही चीज है. यस सर. पक्का समझ में आया ना? यस सर. व्हाट अबाउट अदर्स, सफिया, इरम, आप लोग समझ में आया ना? ए टू बी फोर वाला केस और ए फोर बी टू सेम है दोनों. यस सर.
सफिया आप बीमार बीमार हैं क्या? आप में तो एनर्जी नहीं लगती एकदम। हाँ थके हुए हैं आप सफिया? नहीं सर। नहीं ऐसे ही है। हाँ सफिया। यस सर। नहीं नहीं क्या? नहीं यस सर। नहीं क्या? नहीं थके हुए लग रहे हैं आप? थके हुए हैं स्कूल? नहीं थके हुए नहीं है। नहीं नहीं तो थोड़ा जोर से यस सर बोलिए जी। यस सर। और जोर से, इतने में काम चलेगा। यस सर। थैंक यू वेरी मच। एक बार बोलिए स्टैनिटीज अटेंशन। इधर आइए इधर आइए। ठीक है सो हम लोग नेक्स्ट केस जो क्या लेंगे ना, हम लोग नेक्स्ट केस लेंगे आपका एम ए टू बी टू सी टू। ठीक है एम ए टू बी टू सी टू। अब इसमें सबसे पहले सी वाले को एग्जॉस्ट करेंगे तो एम ए टू को वैसे रहने देना है, एम ए टू को बिल्कुल वैसे रहने देना है, फिर यहाँ पे बी टू को वैसे रहने देना। सी एक सी और एक डी को अलग कर दिया हमने, ठीक है सी और डी को। अब ऐसा मत कर देना भाई सी टू को अलग रखने देना, बी में कुछ चेंज कीजिएगा वो वही सेम केस बन जाएगा। दो सेम एक, दो सेम टाइप के, दो सेम टाइप के और फिर बाकी दो अलग, दो सेम चार, बाकी दो अलग छह हो गए हमारे पास। ठीक है अगला केस जो आएगा आपके पास व्हाट विल हैव एम ए टू, अब बी को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी अलग अलग हो गया डी ई, बी सी डी ई, बात समझ में आ रही है। अब बी सी डी ई के पास बस एक केस और बचा, एम ए बी सी डी ई और एफ। ओ माय गॉड आप लोग तो पागल हो गए, इतना ज्यादा आ गया है ना सर। एक पेज में तो एनसीईआरटी ने कंप्लीट कर दिया था, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सारे आइसोमर्स में आपको पता नहीं कहाँ ले गए। चलिए ठीक है लेकिन देखिए इसको समझ लीजिए एक बार, तो सारे सवाल चाहे आपका नीट का हो जेई का हो ये सारी चीज ना एक बार ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो फिर वो सारे सवाल खत्म। ठीक है अब बोर्ड्स वाले तो ऐसे ही हो जाएंगे, बोर्ड्स में हम आपको दिखाएंगे भी सवाल क्या क्या आता है, उससे आपको ज्यादा पता लगेगा कि बोर्ड्स के लिए किन चीजों में फोकस करना है हमको, है ना। आना तो सब कुछ चाहिए, फोकस हाँ किसी खास चीजों में करेंगे ना। सबसे पहला केस हम जो ले रहे हैं आपके पास ए सिक्स ए फाइव ये वो, यहाँ पे आप लोग ना एक काम कीजिए इसको बनाइए जरा, इसको बनाइए और हम लोगों ने एक चीज लिखी है, इफ देयर आर टू सेम लिगेंड्स अपोजिट टू ईच अदर देन देयर विल बी प्लेन ऑफ सिमेट्री, देन देयर विल बी प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो पेंसिल हो अगर आपके पास ना तो कहां कहां पे जीरो लगाना है, जैसे कि ए सिक्स में जीरो ऑप्टिकल आइसोमर होगा, ए फाइव बी का केस ले लेते यहाँ पे भी आपके पास जीरो ऑप्टिकल आइसोमर होगा, सही है ना। ए फोर बी टू में भी आपके पास क्या हो जाएगा, ए फोर बी टू में भी आपके पास जीरो ऑप्टिकल आइसोमर होगा। इस तरह से आप लोग जितना हो सक रहा है ना आपसे जीरो जीरो वो लगा के थोड़ा दीजिए, जीरो जीरो जहां तक हो रहा है आपसे करके दीजिए जरा, पेंसिल से कीजिएगा क्योंकि पक्का है गलती होगी, ठीक है ना, पक्का है गलती होगी।
guys, please send me whatever you have done till now. Please stop writing, ना? Send me whatever you have done till now. जो भी जीरो जीरो किया, जीरो जीरो करना था, बाकी कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है ना? I hope बाकी आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ जीरो जहां पे लगना था, जीरो लिखना था आपको. From the previous statement, if there are two same ligand in the opposite sides on the at 180 degree, there will be plane of symmetry, right? अगर दो हो गए काफी है. अगर कुछ नहीं किया, that's not a problem. Just send me whatever you have done, ना? Blank भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम कराने ही वाले, बस एक बार देखना था. And I want to teach you how to not lead to a conclusion using a particular statement. Baki guys, bheje Iram, Sophia, Mariam Parker. अरे भाई ये कौन है यार, कृष्ण प्रिया, नहीं नहीं यू सेंड, अच्छा आपने ऐसे भेजा, अच्छा 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 वन टू भेज, इट विल बी बेटर इफ यू सेंड मी अ फोटो. वन 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 क्यों लिखना, जीरो लिखना था सिर्फ आपको, जीरो. अरसलान कहाँ पे जीरो होगा, बस वो लिखना था. ए फोर बी टू तक आपने लिखा है, ठीक है. अच्छा आप छोड़ दिया, मत लिखिए कुछ. ए फोर बी टू तक तो हमने ही लिखा हुआ था, खैर ठीक है. तो चलिए आई थिंक आई विल वेट, थोड़ा सा और इंतजार करेंगे, फिर आई विल स्टार्ट, आई विल स्टार्ट दिस ना. आया किसी का आंसर, किसी का आंसर नहीं आया हुआ. चलिए फिर ठीक है, ठीक है गाइस, प्लीज सी हियर गाइस, कैमरा भी बंद हो गया सबका, कोई आंसर भी नहीं भेज रहा है. Are you guys here? Iram, Safiya? Yes, sir. है ना आप लोग, ठीक है, ध्यान दीजिए जरा इधर. सबसे पहले कि अगर हम GI की बात करें, सो ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ तक तो जीरो होगा ना, यहाँ तक हम लोग छोड़ देते हैं, अभी आप लोगों को सिर्फ देखना है, ठीक है ना. अभी वो भी नहीं बताने वाला कि कहाँ तक जीरो होगा. When we will discuss, then you will see. First case लेते हैं आपके पास ME6. तो यहाँ पे those who are present for the first time here, please see, आप लोग थोड़ा सा देख लें यहाँ पे, ठीक है. कृष्ण प्रिया एंड यूसुफ, especially you guys. A, 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 and A. So I need a mic on for Yusuf and Krishna Priya. Can you please have your mics on? Yes, sir. Yes. What is opposite to this A? Is A ke opposite mein kaun sa ligand hai? A, sir. A. Okay, so we have A opposite to A. What about this? What is opposite? Yeah, A. A. To iske bhi opposite mein aapko kya mil raha hai? A mil raha hai. एंड इसके अपोजिट में क्या मिला आपको? ए मिल, ठीक है. यहाँ भी आपको ए मिला. इन दिस केस नो मैटर व्हाट एवर यू इंटरचेंज, मतलब इस ए को तोड़ के आप यहाँ लगा दीजिए, दिस सीक्वेंस इज गोइंग टू बी सेम, करेक्ट है? यस सर. ये चीज नहीं बदलने वाला. तो इन दैट केस वी विल राइट दैट देयर इज जीरो ज्योमेट्रिकल आइसोमर. यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर अवेलेबल नहीं है, बिकॉज नो मैटर हाउ यू आर अरेंजिंग द लिगेंड्स, यू विल गेट, ऑलवेज यू आर गोइंग टू गेट द सेम कॉम्प्लेक्स, करेक्ट है? बात समझ में ही ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए अब हम लोग ना अपोजिट अपोजिट वाला खेल खेलेंगे, बार बार इसको नहीं बनाएंगे, ठीक है ना? ध्यान दीजिए. इन द सेकेंड केस वी हैव ए फाइव बी. आपके पास बी कितना है बताएं? बी कितना है आपके पास? वन बी. तो आप पहली दफा क्या कर ले, ए के अपोजिट में आपने क्या रख लिया? बी रख लिया. ए के अपोजिट में आपने क्या रखा? बी. बाकी अब क्या बचे? बाकी व्हाट लिगेंड्स आर लेफ्ट, टेल मी गाइस. दो लिगेंड तो हो गए, हाँ, बाकी कितने बचे? 4A बचे. तो एक ए के अपोजिट दूसरा ए आ जाएगा, दूसरे ए के अपोजिट भी क्या आ जाएगा? दूसरा ए आ जाएगा, सही है? Yes, sir. कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? No. अरसलान, सफिया, इरम, आप लोग की बताएं, एनी प्रॉब्लम गाइस? No, sir. नहीं ना, ठीक है. नेक्स्ट केस क्या करते हैं, अभी हमने स्टार्ट कहां से किया था? ए के अपोजिट में बी रखा था, अभी हम ए के अपोजिट में ए रखते हैं,
ठीक है, ए के अपोजिट में ए रखते हैं और फिर ए के अपोजिट में ए रखते हैं, फिर उसके बाद क्या बचेगा आपके पास, ए के अपोजिट में बी रख देंगे. नाउ इवन दो दिस लुक्स अ बिट डिफरेंट, बट दोनों में आपके पास केसेस जो बन रहे सेम केसेस बन रहे ना, ए के अपोजिट के बी, एक ए के अपोजिट बी है, यहाँ पे भी एक ए के अपोजिट बी है, बाकी ए के अपोजिट ए है, यहाँ पे भी बाकी ए के अपोजिट ए. सो बोथ ऑफ दीज आर व्हाट, सेम स्ट्रक्चर ओनली, यस और नो, प्लीज टेल मी. कृष्ण प्रिया आपको समझ में आई बात? यस सर. है ना, तो यहाँ पे भी आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जीरो. नेक्स्ट केस देखते हैं जो आपका क्या है, एम ए फोर बी टू, एम ए फोर बी टू. अच्छा एक और चीज, वन कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर इज, एम ए ए ए है आपके पास, बी है, बी है, सॉरी बी है, ए है और ए है. ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर हम इन दोनों लिगेंड्स को एक्सचेंज करेंगे ना, जो कि हम लोगों ने किया था बी को ए के साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज एट दिस पॉइंट वी आर हैविंग सेम लिगेंड, सेम. अब मान लीजिए यहाँ पे आपके पास बी सी भी हो जाता है ना, तो अगर आप बी और सी को चेंज करेंगे, ए को बी और सी को चेंज करिएगा, ए को सेम रखते हुए, बी और सी को चेंज करना है क्या रखते हुए, ए को सेम रखते हुए, तब भी यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ डिफरेंट ओरिएंटेशन. व्हाई? बिकॉज अभी ए के अपोजिट क्या है, बी, बाद में भी ए के अपोजिट क्या जाएगा, करके देख लीजिए, ए सी, ए बी, और यहाँ पे आपके पास ए ए है. आपने अगर बी और सी को चेंज किया है ना यहाँ पे, पहले भी आपके पास ए के अपोजिट सी था, अभी भी आपके पास ए के अपोजिट सी है. Earlier you had A के अपोजिट बी, यहाँ पे भी आपके पास A के अपोजिट बी है. ठीक है, सो इफ यू आर इंटरचेंजिंग लिगेंड, जिसके अपोजिट साइड में सेम लिगेंड्स है, then that is not going to work. परेशान हो गए यूसुफ, तो क्या ही हो रहा है मेरे से? थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है ना, हो जाएगा. ठीक है, अंडरस्टैंड, बहुत सारे केसेस है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. चलिए हम लोग नेक्स्ट केस में चलते हैं, एम ए फोर बी टू, एम ए फोर बी टू. इन दिस केस A के अपोजिट हमने रखा B, ठीक है, उसके बाद हमने A के अपोजिट में रखा B, ठीक है, और क्या बचा, A के अपोजिट में बचा हमारे पास A. बात सही है? अरे बोलो भाई, क्या बताओ, इन दोनों को एक्सचेंज करने से कोई फायदा नहीं क्या? इन दोनों को एक्सचेंज करने से नहीं ना, क्या इन दोनों को एक्सचेंज करने से कोई फायदा B और A को? नो सर. नहीं, नहीं कोई फायदा नहीं है, राइट. और इसी तरह से इस B और इस A को भी एक्सचेंज करने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इधर साइड में सारे के सारे क्या है, सेम है. फसल में आ रही है? हाँ या ना बोले? यस सर. ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हमने क्या रखा था, ए के अपोजिट में बी रखा था, अभी हम लोग ए के अपोजिट में ए ही रखेंगे. यू विल गेट, एक बार ए के अपोजिट में बी रख दिया हमने ना, अब हम बी के अपोजिट में बी रख देते हैं एक बार. ठीक है, फिर क्या बचेगा आपके पास, ए ए, इधर क्या बचेगा, ए ए बचेगा. सही है, बोलो भाई. यस सर. सही है ना? ठीक है, तो एम ए फोर बी टू, एम ए फोर बी टू में आपके पास यहाँ पे कितने, ये एक आइसोमर है, ये दूसरा आइसोमर है ना, दोनों अलग हो गए. इस केस में यू हैव बी के अगेंस्ट बी, यहाँ पे कहीं पे बी के अगेंस्ट बी नहीं है, ए के अगेंस्ट ए, यहाँ पे कहीं पे आपके पास ए के अपोजिट में ए नहीं है, ए के अपोजिट में यहाँ पे, राइट, यू हैव ओनली वन ए के अपोजिट में. सो हियर यू विल गेट टू आइसोमर, दो, both of these are going to be geometrical isomers, है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, geometrical isomers हो जाएंगे. अब ध्यान देते हैं, is there any optical isomer, क्या optical isomer का कोई चांस मिल रहा है क्या, in this case PC, what you have to see, अगर आपको देखना two same ligands at 180 अगर हो गया, then optical isomer नहीं होगा, optical isomer नहीं होगा. ठीक है, अरे भाई हाँ यार, ठीक है ना, चलिए 180 में देखते हैं, A के opposite में B, अलग अलग ligand, A के अपोजिट में B, अलग अलग लिगेंड, A के अपोजिट में B, अलग अलग लिगेंड, तो प्लेन ऑसिमेट्री अभी तक नहीं है. A के अपोजिट में क्या आ गया, A आ गया, तो POS होगा. बात समझ में आई? यस सर. अब यहाँ पे देखिए, B के अपोजिट में B, तो दो सेम लिगेंड एट 180 डिग्री, तो यहाँ पे POS होगा. सो बोथ ऑफ दीज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर हैविंग, बोथ ऑफ दीज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर हैविंग प्लेन ऑसिमेट्री, दैट इज व्हाई देयर विल बी नो ऑप्टिकल आइसोमर, तो ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो. इज दैट क्लियर, यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस. Yes, sir. Yeah, sir. सही है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा. आपके पास यहाँ पे एनान्शोमेरिक पेयर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास जीरो हो जाएगा एनान्शोमेरिक पेयर, तो जीरो आइसोमर्स, यहाँ पे टू जीरो आइसोमर्स. ठीक है, एम ए फोर बी सी, पहले हम ऐसे रख देते हैं, पहले बी के अपोजिट में सी रखते हैं. अरे क्या हो रहा है यार,
बी के अपोजिट में हमने रखा सी, तो बाकी बचे चार ए, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, वैल्यू बता दीजिए इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी इस वाले में? नो सर। बी के अपोजिट में होगा ना, बी के अपोजिट में क्या है, तीनों का अपोजिट देखना बी, तो यहाँ पे नहीं हुआ। ए के अपोजिट में क्या आ गया, व्हाट इट कृष्ण प्रिया? यस सर। तो यहाँ पे आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, टू सेम लिगेंड्स एट 180, टू सेम लिगेंड्स एट 180 मिला, यस कृष्ण प्रिया? यस सर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो दिस इज वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दूसरा जो आइसोमर हमारे पास बचेगा बनेगा देखिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं ना, बी और ए अलग अलग है, इन दोनों को हमने एक्सचेंज कर दिया, सी और ए भी यहाँ पे अलग अलग है, तो इन दोनों को हमने एक्सचेंज कर दिया। ये कंट्रोल छोटा क्यों हो जा रहा है यार, बार बार ठीक है, ध्यान दीजिए। इधर देखिए आप, अब क्या करना है, B के अपोजिट कर दिया हमने A, और A के अपोजिट कर दिया हमने C, और ये A के अपोजिट A ही हमने रहने दिया। क्या ये दोनों सेम है, अलग है, क्या लग रहा है? देखिए B के अपोजिट में A, यहाँ पे B के अपोजिट में क्या था, C था, तो अलग तो हो ही गया, हाँ या ना, बोलो भाई, है ना? yes, sir. बताइए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? yes, sir. क्या ख्याल है बाकी का, क्या ख्याल है भाई, चैट बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यस नो, और कोई आंसर नहीं मिलेगा हमको, यस और नो, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या देखना है, टू सेम लिगेंड्स अपोजिट टू ईच अदर, टू सेम लिगेंड्स अपोजिट टू ईच अदर, पहला केस भाई कर भाई, प्लीज करो यार तुम लोग, ठीक है ना, बी के अपोजिट में ए नहीं है, ए के अपोजिट में सी नहीं है, करके देखो ऐसे। सफिया बोल रही है, यूसुफ बोल रहे हैं, व्हाट अबाउट अदर्स, कृष्ण प्रिया का आंसर नहीं आ रहा, कृष्ण प्रिया नहीं है क्या, कृष्ण प्रिया आपको नहीं समझ में आया क्या, एक और समझना चाहेंगे? अंडरस्टूड, तो बताइए चैट में भेजिए ना आंसर, सेंड इट टू सालिम नॉट टू लर्निंग व्यू, इट हैज, इरम का आंसर नहीं आ रहा, इरम आपको समझ में नहीं आया, इरम इरम Iram is not in the class or what? देखिए भाई जिन लोगों को आ रहा नहीं आ रहा, जो भी B के अपोजिट में A, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं होगा, A के अपोजिट में C नहीं हुआ, A के अपोजिट में अब क्या आ गया, A आ गया, right? Two same ligands opposite to each other at 180 degree. Because of this two opposite, यहाँ पे plane of symmetry होगी, ठीक है guys? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये देखिए फिर से ये हो जा रहा है यार, क्या ही हो रहा है पता नहीं, ऐसे पहले कभी नहीं होता था, आज कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है मेरा, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे भी है, क्या इज देर एनी अदर, कोई और भी बन सकता है क्या, बताइए इज देर एनी अदर पॉसिबिलिटीज, कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखो भाई इन दोनों को एक्सचेंज करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसके साइड में क्या है, ए ही है, अभी भी ए ए से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ए सी से जुड़ा हुआ है, इसी इधर अगर आ गया, सी को आपने इधर भेज दिया, तो उस टाइम भी सी जो है ए के साथ ही जुड़ा रहेगा ना, सी विल बी जॉइंड विद ए ओनली, तो यहाँ पे एक्सचेंज करके कोई भी फायदा नहीं है। अच्छा आप बोलेंगे सर इसको एक्सचेंज कर लो, ठीक है सर, इसको एक्सचेंज अगर हम करेंगे ना तो बी के साथ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा जो कि हमने पहले ले लिया, ए के साथ ए आ जाएगा जो कि हमने पहले भी लिया हुआ है, ठीक है। सो इफ यू सी हियर यू विल नॉट गेट एनी केस, यू विल नॉट गेट एनी केस, इसके अलावा और कोई आपको केस नहीं मिलने वाला एम ए फोर बी सी, इन एम ए फोर बी सी यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग एल्स, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर तो नहीं हो पाएगा बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, और स्टीरियो आइसोमर की हम बात करें तो इतने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब एम ए थ्री बी थ्री जो कि हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, अगर आप लोगों को याद हो द लास्ट लेक्चर वी डिड ना एम ए थ्री बी थ्री फैक और मर वाला जो हम लोगों ने किया था, गाइस प्लीज रिमेम्बर, अरसलान सफिया रिमेंबर ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप क्या लीजिए, एम ए के अगेंस्ट ए ले लिया आपने, फिर आपने लिया ए के अगेंस्ट बी, फिर उसके बाद बी, अच्छा ऐसे करो, ए के अगेंस्ट ए, बी के अगेंस्ट बी, और इसके बाद ए के अगेंस्ट क्या बचा, बी ही बचा, राइट। सो एम ए थ्री बी थ्री, दो ए तीन ए, दो ए तीन बी हो गया, ठीक है। सो यू हैव एम ए थ्री बी थ्री, तो ए केस तो क्या हुआ,
ए के अपोजिट में आपने ए लिया, बी के अपोजिट में बी लिया। अब हम ऐसे लेंगे, आपने ए के अपोजिट में बी, ए के अपोजिट में बी और ए के अपोजिट में बी। बोलो भाई। यस ठीक है ना, ये दो ही तो केस बन सकते हैं, और कोई केस बनेगा क्या? नो सर। देखिए और कोई केस बनेगा? नहीं बनेगा, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें, यहाँ पे ए के अपोजिट में ये आ गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी होगी। व्हाट अबाउट दिस केस, क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? नो सर। ध्यान से देखिए, क्या लग रहा है आपको? सर नहीं होगा ना, क्योंकि दो अपोजिट लेकिन सही सेम। देखिए आपके पास अपोजिट कुछ और हो सकता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है, क्या देखिए बताइए जरा। यहाँ पे दो अपोजिट है, इसमें एक केस आई थिंक आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, ऐसे पता नहीं आप लोग समझ पाएंगे। ए थ्री बी थ्री वाला केस लेना ना हम लोगों को, ए थ्री बी थ्री वाला केस, एंड ऑल्सो दिस इज फॉर फैकेनमर हो गया ये, सो विल हैव थ्री फ्लोरीन और थ्री क्लोरीन वाला दिखाते हैं आपको। यही केस है ना, अगर आप देखें ए के अपोजिट में बी, ए के अपोजिट में बी, ए के अपोजिट में बी, सही है सर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा काटने में थोड़ी दिक्कत होगी, देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री हियर, बट वो कहाँ है प्लेन ऑफ सिमेट्री? देखिएगा जनाब, ठीक है, हमने इस तरीके से काटा, ठीक है, इस तरीके से काटा हमने, ध्यान दीजिएगा, आपके पास इस साइड में क्या? हाँ, इस साइड में सीएल गिरा, इस साइड में सीएल गिरा, सही है ना, इस साइड में फ्लोरीन गिरा और इस साइड में भी क्या गिरा? फ्लोरीन गिरा, ठीक है, और ये फ्लोरीन आधा कट के इधर, ये फ्लोरीन आधा कट के उधर, और इधर पीछे में आपके पास क्लोरीन आधा कट के इधर और पीछे से क्लोरीन आधा कट के इधर, सो कैन यू गाइस सी दैट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री? थोड़ा देख के बताइए, इत्मीनान है नहीं इत्मीनान है? देखिए दिस साइड यू आर हैविंग क्लोरीन गिर रहा है, इस साइड भी क्या गिर रहा है आपका? क्लोरीन ही गिर रहा है, राइट, इस साइड फ्लोरीन गिर रहा है, इस साइड भी आपका क्या गिर रहा है? फ्लोरीन गिर रहा है, सेम थिंग्स आर फॉलिंग, यहाँ पे फ्लोरीन का आधा पार्ट इधर गिरा, फ्लोरीन का आधा पार्ट उधर गिरा, एंड देन क्लोरीन का आधा पार्ट इधर, क्लोरीन का इधर आधा पार्ट गिरा, ठीक है, क्या ख्याल है गाइस? यस सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री।
प्लेन सिमेट्री है यहाँ पे, तो इसमें आपको एक और चीज देखना पड़ेगा। देखिए दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री विल बी प्रेजेंट, कब तक प्रेजेंट होगा, दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री विल बी प्रेजेंट इफ वी आर हैविंग, देखिए आपके पास कट नहीं होना चाहिए था, टूट गया। दिस इज अ पेयर और ये पेयर, टू अपोजिट पेयर्स आर सेम, एक पेयर ऑफ लिगेंड और ये पेयर ऑफ लिगेंड, ठीक है, दोनों क्या है सेम है, क्या ख्याल है गाइस, टू अपोजिट पेयर्स ऑफ लिगेंड्स आर सेम, लिगेंड सेम नहीं है, पेयर देखेंगे अगर लिगेंड का, टू अपोजिट पेयर्स ऑफ लिगेंड्स आर व्हाट सेम, टू अपोजिट पेयर्स ऑफ लिगेंड जब सेम आ जाए तब यू आर गोइंग टू हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए यहां पे तो फर्क नहीं पड़ता ना, यहां पे आपका अगर हम लाल भी कर देते ठीक है, तब भी ये लाल वाला एटम आधा इधर गिरता आधा उधर गिरता है ना, तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा, जो प्लेन में कट जा रही है चीज उससे फर्क नहीं पड़ता, जो बाहर रहती है उससे फर्क पड़ रहा है। व्हेन यू हैव अ पेयर ऑफ लिगेंड्स अपोजिट टू ईच अदर एंड दे आर सेम, इन दैट केस आल्सो यू आर गोइंग टू हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑक्टाहेड्रल के केस में। सो यहां से हम एक और चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, when two pairs of ligands opposite to each other are same, then POS is present, ठीक है, तो एम ए थ्री बी सी वाला केस वो पहले की वजह से नहीं, लेकिन सेकंड ये जो कंडीशन है आपका उसकी वजह से यहाँ पे POS होगी, so here also you are going to have POS will be present, okay, चलिए अब आपके एम ए थ्री बी सी वाला केस हो गया, here you are having only two geometrical isomers, zero optical, zero ये और zero isomers यहाँ पे दो हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन, अब आपके पास क्या है एम ए थ्री बी टू, एम ए थ्री बी टू और सी भी आपके पास, ठीक है। चलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ओनली ना, सबसे पहले क्या ले लें हम, वी आर हैविंग कितना है आपके पास एम ए थ्री है, तो स्टार्ट करते हैं ऐसा वाला ए ए ए, ठीक है, एम ए ए ए, एक बी दूसरा बी और इधर सी, क्या ख्याल है गाइस, सही है, ठीक है, ठीक है ना, अच्छा ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास है ए ए और इधर है आपके पास बी बी, ठीक है, व्हेन टू अपोजिट पेयर्स ऑफ लिगेंड्स आर सेम, यहाँ पे देखिए ऐसे ही केस हो गया ना, हमारे पास क्या था ए बी ए बी और ए बी वाला केस था, ये इन दोनों की वजह से क्या था, देयर वाज प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो वही दो चीज यहाँ पे भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे भी हो जाएगा, ओके, सो यूजिंग दिस पर्टिकुलर केस वी कैन हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री हियर, टू पेयर्स ऑफ लिगेंड अपोजिट टू ईच अदर, पेयर ऑफ लिगेंड्स अपोजिट टू ईच अदर, पेयर्स ऑफ लिगेंड अपोजिट टू ईच अदर आर सेम, तो ये ए बी है और ये भी ए बी है, क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है, इनको क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी विल बी हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, यार कंट्रोल जेड करना मेरे लिए आफत हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगला केस लेते हैं हम लोग, दी अनदर केस विल बी एम ए के साथ हमने रख दिया ए, अब बाकी ए के साथ यार, अरे यार दिस इज सो बैड, ए के साथ आपने रख दिया बी और फिर बचा क्या आपके पास, एक बी के साथ आपने रख दिया सी, सो बोथ ऑफ दीज आर अलग है, एंड हियर यू विल हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, या ऑब्वियसली बिकॉज ए के अपोजिट में क्या आपके पास ए, यू हैव टू सेम लेकिन अपोजिट टू ईच अदर, सो देयर विल बी प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस केस, कैन वी हैव समथिंग एल्स, आई थिंक वी कैन हैव समथिंग एल्स आल्सो राइट इन दिस केस, एम ए थ्री बी सी, बी का सी के साथ हो गया, सी का बी के साथ हो गया, सी का ए के साथ हो गया, और कुछ हो सकता है क्या, इज देयर एनी अदर केस दैट इज पॉसिबल, बी का बी के साथ नहीं हुआ राइट, बी बी से स्टार्ट नहीं किया हमने, बी बी से स्टार्ट करते हैं, बी बी बचा क्या आपके पास, यू विल हैव ए ए ए सी, ए ए बी बी, हाँ ठीक है, वेरी गुड कृष्ण प्रिया,
ऑल इफ यू गॉट दिस एसोनो प्लीज टेल मी, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे भी, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, हाँ होगी ना, बिकॉज बी और बी सेम आ गया, ए और ए क्या आ गया, सेम आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे भी होगी। आगे बढ़े, और हम लोग के पास आई थिंक देर विल बी नो अदर केसेस, ठीक है, देर विल बी नो अदर केसेस, तीन होते हैं इसमें, तीन आ गए आपके पास, एम ए थ्री बी टू सी में तीन होते हैं, इधर जीरो एंड इसमें भी जीरो, यहाँ पे आपके पास तीन आ जाएगा। अब आएगा एम ए थ्री बी सी डी, एम ए थ्री बी सी डी, एम ए थ्री बी सी डी, ए थ्री बी सी डी, सबसे पहले हमने ऐसे कर देते हैं, ए ए ए, इसके अपोजिट में बी, इसके अपोजिट में सी, इसके अपोजिट में डी। अब यहां पे अगर आप देखिएगा तो कोई भी अपोजिट पेयर सेम नहीं है, कोई भी अपोजिट पेयर क्या है सेम नहीं, ए बी के जैसा कोई नहीं है यहाँ पे, जैसे पहले ए बी के जैसा एक और ए बी था, बट वी डोंट हैव एनी अदर ए बी नाउ, सो इन दिस केस ना प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ना ही यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, ये आपको समझ में आ रहा है सुनो, इन दिस केस आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी ना ही आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है गाइस, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री बोथ आर नॉट प्रेजेंट। एक केस लेने हमने, अब हम दूसरा केस लेते हैं, ए के साथ ए रखते हैं, ए के साथ हमने रखा ए, और फिर हम लोग क्या रख सकते हैं बताइए, बी के साथ रख दिए, हाँ सी, और ए के साथ क्या बचा, डी, एक साथ बच गया डी, है ना जी, हाँ हो गया, ठीक है हो गया, हाँ जी हो गया। और अब यहाँ पे हम कुछ एक्सचेंजेस कर सकते हैं, राइट, आई थिंक वी कैन डू एक्सचेंजेस, कि हमने डी को इधर ले गए और सी को इधर ले आए, तो ए की जगह आपने रखा ए को ही, एंड बी की जगह आपने रख दिया डी को, बी के साथ डी को, एंड देन ए के साथ सी को, आई थिंक दिस इज न्यू, क्या ये नया है, देखिए गाइस देखिए, नया लग रहा है नहीं लग रहा है, यस नया है ना, ए के साथ ए तो यहाँ पे है, बट हियर यू हैव बी विद बी वी आर हैविंग सी, हियर विद बी वी आर हैविंग डी, और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, I think we can also exchange this thing. A के साथ हमने रख दिया D को, A के साथ D को, नहीं नहीं इसको नहीं एक्सचेंज कर सकते, A B हमने कर लिया इसको पहले, इसको एक्सचेंज कर सकते क्या, B के साथ A को, A, नहीं A को नहीं छेड़ना पड़ेगा, A को नहीं छेड़ना पड़ेगा, A के साथ हमने रख लिया B एक बार, और A के साथ हमने रख लिया है C भी, और देखते हैं भाई और होना चाहिए इसमें, तो A के साथ हमने रख लिया मान लीजिए B को, फिर एक साथ रख लिया हमने ए को, तो डीसी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इसमें ऐसा वाला केस बन जाएगा आपके पास, ए के साथ आपने क्या रखा है ए को, फिर ए के साथ आपने रखा था डी को, अब ए के साथ रखा था आपने सी को, अब की रखते थे ए के बाद ए के साथ आप बी को रख लीजिए, और डीसी हो जाएगा फिर यहाँ पे, है ना, देखिए गाइस क्या ख्याल है, हो गया, आई थिंक और नहीं हो पाएगा इसमें, ए के अपोजिट में ये रख लिया हमने, बी के अपोजिट में सी रख लिया, ए के अपोजिट में डी रख लिया, देन वी स्टार्टेड, फिर उसके बाद हमने ए के अपोजिट में बी भी आ गया, ए के अपोजिट में सी आ गया, ए के अपोजिट में डी आ गया, ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से हम ना अरेंज करके लिखते हैं, तो आप लोगों को बाद में याद करने में आसानी होगी। ए ए वाले केसेस में सबसे पहले हमने रखा ए के साथ ए, फिर ए के साथ बी, तो क्या आ गया बचा क्या आपके पास, सी डी, ए के साथ ए ही रखा हमने, फिर ए के साथ हमने रख दिया सी को, बचा क्या आपके पास, बी डी, ए के साथ हमने रखा ए को, फिर ए के साथ हमने रख दिया डी को, बचा क्या आपके पास, बी सी, सही है, ठीक है। अब इन सारे केसेस में यू कैन सी दैट ये ए के अपोजिट में क्या है, ए के अपोजिट में ए, एंड हियर ऑल्सो यू आर हैविंग ए के अपोजिट में ए, तो इन सारे केसेस में यू विल हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री विल बी प्रेजेंट, तो इसका एक यू विल हैव ऑप्टिकल आइसोमर, इसका क्या होगा, इसका देयर विल बी इसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा। एम ए थ्री बी सी डी के केस में अगर हम देखें, देन वी आर गोइंग टू हैव फोर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये चार ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, एक आपका ऑप्टिकल आइसोमर होगा, यानी कि सॉरी एक ऑप्टिकल आइसोमर होगा नहीं, दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, मतलब एक तो ये वाला हो गया, ध्यान दीजिएगा गाइस, एक तो आपके पास ये वाला हो गया, है ना, और इसका एक आपका आइसोमर होगा, वो दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर, तो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे दो, एनान्शियोमेरिक पेयर होगा वन। जब बात आएगी स्टीरो आइसोमर्स की, ध्यान रखिएगा, ये हो गया इसका ऑप्टिकल आइसोमर एक होगा, ठीक है, तो ध्यान दो भाई, ये हो गया आपके पास नंबर वन एक आइसोमर, है ना, एक स्टीरो आइसोमर, ये हो गया दो, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, तो टोटल कितने हो गए, पांच हो गए। इवन तो सर आप बोले सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर तो छह आ रहा है,
हाँ, बिकॉज देर इज वन आइसोमर विच इज प्रेजेंट इन बोथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमर. क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? एक आइसोमर ऐसा है, एक आइसोमर ऐसा है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाले केस में भी हम लोगों ने लिया है और वो ऑप्टिकल आइसोमर वाले केस में भी आ रहा है. इज दैट क्लियर? यस ऑर नो प्लीज टेल मी गाइस. हाँ जी बताएं, ये बात समझ में आई? फाइव स्टीरियो आइसोमर समझ में आया? यस सर. किसी को कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? ऑल ऑफ यू गॉट दिस, जस्ट गिव मी अ सेकंड. नेक्स्ट आते हैं आपके पास एम ए टू बी टू सी टू. एम ए टू बी टू सी टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करें तो हम आपने रख दिया ए ए, फिर आप रख दीजिए ए टू. अच्छा एक काम ऐसा कर लेते हैं, एक ले लेते केस सिंपल, ए के अपोजिट में ए, बी के अपोजिट में बी और सी के अपोजिट में सी. सबसे आसान वाला हो गया है ना. अब करते हैं यहाँ पे, अब रखते हैं ए के अपोजिट में बी, दूसरे ए के अपोजिट में भी बी, दूसरे ए के अपोजिट में भी सी, सॉरी दूसरे, और फिर सी और सी आ जाएगा. क्या ख्याल है गाइस? एम ए टू बी टू सी टू हो गया ठीक है भाई. इन दोनों को एक्सचेंज करके तो कुछ होगा नहीं. इन दोनों को एक्सचेंज करके कुछ होगा नहीं. इन दोनों को एक्सचेंज करके कुछ हो सकता है? बी पाप मिला दिया इधर और सी चला गया ऊपर. हाँ तो ये एक ही चीज आ जाएगी आपके पास कि हम क्या कर रहे हैं. नेक्स्ट केस दैट वी कैन टेक इज ए के अपोजिट में रख दीजिए आप सी, ए के अपोजिट में रख दीजिए आप सी और फिर रख दीजिए बी के अपोजिट में बी. एक ये केस बन जाएगा आपके पास. इस पी समझ गई? यस सर. ठीक है अब बताइए अब क्या किया जाए. ए के अपोजिट में बी हो गया, ए के अपोजिट में सी हो गया राइट. अब हम लोग करते हैं, अब ए के अपोजिट में देखिए ए रख लिया आपने, ए के अपोजिट में बी रख लिया आपने, ए के अपोजिट में भी सी रख लिया आपने ठीक है ना. अब आप ए के साथ आई थिंक और कुछ नहीं कर सकते, अब आपको चलना पड़ेगा बी के पास ठीक है. तो बी के साथ रखते हैं सी को, बी के साथ सी तो कभी नहीं आया तो बी के साथ सी से स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट बी एंड सी है आपके पास, बी सी हो गया और उसके बाद आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा ए है ना. तो अच्छा एक और बी बचा राइट, बी के अपोजिट में सी, फिर क्या हो गया ए के अपोजिट में ए. क्या ख्याल है गाइस? अलग है ना ये तो? यस सर. और बताइए और होगा, और होगा क्या? देखिए जरा एक केस और हो सकता है आई थिंक, ए के अपोजिट में सी, बी के अपोजिट में सी, ए बी ए सी बी सी, ए बी है ए बी है ए बी ए बी और ए बी कहीं नहीं है, ए सी. दिस इज अनदर केस ना, देखिए दिस इज ऑल्सो डिफरेंट राइट. ठीक है ए के अपोजिट में बी कहाँ पे है? ए के अपोजिट में बी है आपके पास यहाँ पे सिर्फ, और कहीं तो ए के अपोजिट में बी, ए के अपोजिट में बी, ए के अपोजिट में बी नहीं है ठीक है. अब अगला देखेगा तो यहाँ पे यू हैव ए के अपोजिट में बी वंस अगेन, बट हियर वी डोंट हैव ए के अपोजिट में बी दोबारा से ठीक है. सो आई थिंक दिस विल बी वन. क्या ख्याल है गाइस? अलग है ना दोनों? दोनों अलग है नहीं है? यस सर. है ना ठीक है. और बताइए और कुछ हो सकता क्या?
ए के अपोजिट में सी, फिर ए के अपोजिट में बी, ए के अपोजिट में बी, फिर और नहीं हो पाएगा आई थिंक। देख लीजिएगा आई थिंक इसमें पांच ही होते हैं, विल हैव फाइव। और अब आएगी बात किसकी, अब आएगी बात ऑप्टिकल आइसोमर्स की। सो इन दिस केस ए के अपोजिट में ए है आपके पास, सो हियर यू विल नॉट, यहाँ पे आपके पास पी ओ एस हो जाएगा। सी के अपोजिट सी है तो हियर यू विल हैव पी ओ एस। यहाँ पे बी के अपोजिट बी है तो हियर यू विल हैव पी ओ एस। यहाँ पे आपके पास ए के अपोजिट क्या है, ए है, सो हियर ऑल्सो यू विल हैव पी ओ एस। इन सारे केसेस में तो आपके पास पी ओ एस आ जाएगा, बट हियर ए के अपोजिट बी अलग, ए के अपोजिट में सी अलग, बी के अपोजिट में सी अलग। ना ए बी जैसा कोई है ना ए सी जैसा कोई है, राइट। सो दोनों ही क्राइटेरिया नहीं आ रहे यहाँ पे, तो यहाँ पे पी ओ एस नहीं होगा ना ही सी ओ एस होगा। सो यू विल हैव वन ऑप्टिकल आइसोमर, सॉरी नॉट वन, टू ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, और इसका एक एनांशोमेरिक पेयर बनेगा, एंड देन यू कैन ऐड 5 प्लस 1, देयर विल बी 6 स्टीरियोआइसोमर्स। बाकी केसेस का ना हम आपको लिखा दे रहे, बिकॉज नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज रैपिडली नाउ। पांच के बाद तो आपके पास सिर्फ 6 आएगा, यहाँ पे यू विल हैव इस केस में होंगे आपके पास 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स जिसके 2 एनांशोमेरिक पेयर्स, टोटल मिला के आपके पास होगा 8। बी सी डी ही जैसे आएगा, यू विल हैव 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक बार ए के साथ बी बनेगा, बी के साथ सी बनेगा, ठीक है। एक आपके पास एक बार ए के साथ ए बन गया, फिर ए के साथ बी बनेगा, फिर ए के साथ सी बनेगा, फिर ए के साथ डी बनेगा, फिर ए के साथ ई बनेगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट व्हाट यू कैन हैव एक्सचेंजेस हियर इटसेल्फ। फिर उसके बाद बी के अपोजिट में आपने ए लिया था, सी लिया था, डी लिया था, ए लिया था, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 पांच हो गया आपके पास। और जब पांच हो गए आपके पास, पांच में से फिर आपके पास ना 4 केसेस हैं, ए ए वाले को छोड़ दें। एक बार आपके पास जब ए और बी है, जब ए और बी है तो एक बार सी डी रहेगा और एक बार सी ई रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से टोटल आपको 9 मिलेंगे इफ यू आर गोइंग टू राइट इट एक एक करके, 9। एंड इन दिस 6 ऑफ देम विल बी हैविंग 6 ऑफ देम विल बी हैविंग ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर टोटल कितने होंगे, 6 × 12। अब अगर जोड़ेंगे जहां सारा तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, 15। एंड इन दिस केस लास्ट वाला जो है 15 आपके पास हो जाएगा कंप्लीट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एंड ईच ऑफ देम ऑल द 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल हैव ऑप्टिकल आइसोमर, यानी कि 30 ऑप्टिकल आइसोमर्स, उसमें से 15 एनांशोमेरिक पेयर्स, 15 और 15, 30 आपके पास क्या आ जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स भी, ठीक है। इसको जरा लिख लीजिए, एक और चीज डिस्कस करना था असल में, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए जरा, मेरा बैटरी भी खत्म हो रहा है यार, 5 मिनट बच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काक और मर्द हमने कर दिया था, ठीक है। तो यहीं तक लिखिए, ओके, am I audible guys? Yes sir. चलिए, वो तो मेरा लैपटॉप चला गया, खत्म डाउन हो गया। लेट मी जस्ट शेयर विथ यू गाइस जो हमने लिखा था, है ना। आई थिंक आई कैन शेयर माई स्क्रीन, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइए, प्लस 12C5 हाँ, बस वो थोड़ा सा स्क्रीन ना सिंक हो गया हो, वॉट एवर आई वॉज राइटिंग ऑन माई लैपटॉप इफ इट इज प्रेजेंट इन माई, ओ ओ आई थिंक इट इज सिंक, हाँ सिंक तो हुआ है, लेकिन कितना सिंक हुआ है, हाँ काफी हो गया। सो लेट अस सी हाउ इज द स्क्रीन शेयरिंग इन दिस थिंग, शेयर स्क्रीन, क्या स्क्रीन शेयर करना है भाई, पूरा स्क्रीन शेयर होगा, वेब यूआरएल, डॉक्यूमेंट, फोटो, बॉक्स, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट
SharePoint, Microsoft OneDrive. चलिए स्क्रीन ही शेयर करके देखते हैं. क्या हाँ बताएं, विजिबल है गाइस? यस सर. चलिए छाप के तब आप लोग सही है यार. ये तो कहने राइट हियर जो लिखा भी था सो स्मॉल रबर का कुछ होगा तो उसने आई कैन नॉट राइट हियर विद रबर. कैसे लिखा है? आई कैन ओनली राइट विद फिंगर टिप्स और व्हाट. 12. Let me know once you're done, है ना? Because since I'm sharing screen, I cannot see anything. अच्छा, can you see the notification when I'm sharing? या फिर आपको OneNote दिख रहा है? ना सर, like notification दिखा दे इसको ऊपर करके. अच्छा ठीक है. सर, I'm done. Like notifications. Is everyone done? I'm done, sir. Anyone still writing? Anyone still writing? No, sir. No? चलिए ठीक है. That's it for today then. है ना, isomers का तो assessment कल ही कर लिया था हम लोगों ने. छोटा सा पार्ट है. Next क्या start करेंगे? थोड़ा आप लोग बताइए. Next क्या start करें? Which chapter? 12C5 वाले बताएंगे. ये पार्कर और इरम आप लोग का कोई वोट नहीं है यहाँ पे. सफिया, कृष्णप्रिया एंड अरसलान, आल्सो मीर इफ यू आर प्रेजेंट, यूसुफ यू आल्सो आर हियर. टेल मी गाइस व्हाट चैप्टर आप लोग के पास कुछ दिमाग में चैप्टर तो बताइए, अदरवाइज आई विल स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम लगने वाला है. व्हाट डू यू गाइस थिंक? टेल मी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक स्टार्ट करना.